हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इकोनॉमिक्स क्लास। और आज का जो टॉपिक है वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व का दूसरा वीडियो। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था आई होप आपने वो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा हो तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक से उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मतलब जो आज का वीडियो सेकेंड वीडियो, उसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली छोटा सा टॉपिक है, दैट इज चेंज इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चेंजेस क्यों होंगे, किस तरह से होंगे और क्या इसका इंप्लीकेशन होगा, तो इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि चेंजेस किस तरह का हो सकता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व। ठीक है, तो चेंजेस यहाँ पर दो तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज शिफ्ट इन पीपीसी। ठीक है, शिफ्ट इन पीपीसी और पीपीएफ एंड टीसी, ये इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा जो पीपीसी कर्व है वो अपने जगह से हट के या तो राइट वर्ड की ओर शिफ्ट करेगा या लेफ्ट वर्ड की ओर शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो इसके रीजन क्या क्या है, इसका क्या एंडिंग मतलब इससे क्या पता चलता है आपको, इसके बारे में भी हम अभी समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जो नेक्स्ट जो चेंज हो सकता है वो हो सकता है रोटेशन। रोटेशन इन या रोटेशन ऑफ पीपीसी। ठीक है, तो दोनों ही चीजों को एक एक करके हम समझते हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट में हम समझेंगे शिफ्ट जो है क्या है, एक्चुअली शिफ्ट इन पीपीसी क्या है और उसके टाइप्स क्या है, मतलब कितना तरह का शिफ्ट हो सकता है। ठीक, तो शिफ्ट इन पीपीसी जो है दो तरीके का हो सकता है, क्या क्या हो सकता है देखिए। Rightward shift, ठीक है, and second one है leftward shift। तो rightward shift का reason क्या होता है हिंदी में, मतलब rightward shift ये क्या मतलब indicate करता है, it indicates increase in PPC। ठीक है, इंक्रीज इन पीपीसी मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज में जो है इंक्रीज होना, अगर पीपीसी का राइट वर्ड शिफ्ट हुआ दैट मीन्स जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज है वो इंक्रीज होगा, मतलब पहले जितना प्रोडक्शन कर सकते थे अभी उससे ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, ये जो होता है कर्व में राइट वर्ड शिफ्ट होता है। और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट क्या इंडिकेट करता है, इंक्रीज इंडिकेट्स डिक्रीज इन पीपीसी या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। लेफ्ट वर्ड शिफ्ट अगर कर्व का हुआ है तो उससे ये इंडिकेट होता है कि जो प्रोडक्शन हम पहले कर सकते थे फॉर एनी रीजन वो अभी जो है उससे कम प्रोडक्शन या फिर उससे कम प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंडिकेट होता है अगर कर्व में लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुआ है। डायग्राम से भी देख लेते हैं, फिर ये वाई एक्स एक्स एक्सिस में गुड एक्स का प्रोडक्शन हम दिखा रहे हैं एंड वाई एक्सिस में दिखा रहे हैं गुड वाई का प्रोडक्शन। ठीक है, ये अगर मेरा ओल्ड पीपीसी है, ठीक है, वाई डैश एक्स डैश, ये है ओल्ड पीपीसी। तो राइट वर्ड शिफ्ट मतलब इससे राइट में मूव करेगा। और एक बात ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी कर इकोनॉमिक्स कोई भी कर अगर राइट की तरफ शिफ्ट करता है तो वो हमेशा इंडिकेट यही करेगा कि वो इंक्रीज हुआ है। बहुत सारे कर के बारे में पढ़ने वाले, तो कभी भी अगर राइट वर्ड शिफ्ट हुआ है दैट मीन्स वो इंक्रीज इंडिकेट कर रहा है, और अगर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुआ है तो वो डिक्रीज इंडिकेट कर रहा है। सेम यहाँ पर भी वही है, राइट वर्ड शिफ्ट जैसे ही होगा दैट मीन्स एक कर अभी यहाँ पर है तो यहाँ पर आ जाएगा, ये हो रहा है राइट वर्ड शिफ्ट। ठीक है, ये ओल्ड कर और ये न्यू कर। ठीक है, ये क्या हुआ है राइट वर्ड शिफ्ट हुआ है। राइट वर्ड शिफ्ट और इंडिकेट क्या कर रहा है, इंक्रीज इन पीपीसी या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। ठीक है, उस तरह से लेफ्ट वर्ड शिफ्ट का आएगा, देखिए यहाँ पर शो कर रहा हूँ गुड एक्स और वाई एक्सिस में शो हो रहा है गुड वाई। ठीक है, ये मेरा ओल्ड पीपीसी कर्व है।
ये जो है ओल्ड बीबीसी कर्व है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट मतलब यहां से कर लेफ्ट की तरफ जो कि अंदर की तरफ होता है, ये जो रेड वाला लाइन है ये न्यू बीबीसी कर्व हो गया इन केस ऑफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ये यहां से यहां आ गया है, ठीक है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। क्या इंडिकेटर है? डिक्रीज इन बीबीसी प्रोडक्शन परसेंटेज, ठीक है। अब ये दोनों का रीजन क्या है, इंक्रीज हुआ है तो क्यों इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है तो क्यों डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो जब हम लोगों ने एजम्पशंस पढ़ा था, अगर आपको याद है, उसमें हमने ये एजम्प किया था कि देयर इज नो चेंज इन रिसोर्सेज एंड देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, राइट, ठीक है। वही उसी चीज का खेल यहाँ पर है इंक्रीज और डिक्रीज में। अगर मेरा रिसोर्सेज में चेंजेस होता है तो क्या होगा, मेरा पॉसिबिलिटीज जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज है वो जो है चेंज होगा। सिमिलरली टेक्नोलॉजी भी अगर चेंज होता है तो मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज भी चेंज होगा। नाउ क्वेश्चन इज कि इंक्रीज कब होगा और डिक्रीज कब होगा, ठीक है। सो इंक्रीज तब होगा जब मेरा रिसोर्सेज में ग्रोथ होगा, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है पहले जितना था अभी उससे ज्यादा हो गया, ठीक है, या फिर जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल था वो और ज्यादा एफिशिएंट हो गया प्रोडक्शन में, मतलब पहले जितना प्रोडक्शन कर पा रहे थे वो अभी और ज्यादा उनका स्किल डेवलप हो गया जिसके कारण वो और ज्यादा एफिशिएंट हो गए हैं और वो ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रीजन इज ग्रोथ इन रिसोर्सेज, या फिर रिसोर्सेज हैज बिकम मोर एफिशिएंट, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी, या फिर न्यू इन्वेंशन कुछ हुआ हो, या फिर टेक्नोलॉजी और डेवलप हो गया, दैट इज डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अगर टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया या रिसोर्सेज में ग्रोथ हो गया या फिर रिसोर्सेज में और ज्यादा एफिशिएंट हो गया प्रोडक्शन में, तो ये सारे रीजन हो गए इंक्रीज इन पीपीसी में, व्हिच कॉजेस राइट हैंड शिफ्ट ऑफ पीपीसी, ठीक है। तो क्या क्या रीजन है, नोट डाउन कर देते हैं, इंक्रीज या फिर हम बोल सकते हैं ग्रोथ इन रिसोर्सेज, ठीक है, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ठीक है, टेक्नो चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, ठीक है, या फिर न्यू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, न्यू इन्वेंशन, जो भी फेवरेबल चेंजेस है जिससे भी प्रोडक्शन को जो है हेल्प हो रहा है, ये सारा रीजन होता है इंक्रीज इन पीपीसी या फिर राइट फॉर शिफ्ट इन पीपीसी का, ठीक है। वेरस डिक्रीज इन पीपीसी जो है एग्जैक्टली इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज इन रिसोर्स की जगह डिक्रीज इन रिसोर्सेज। अब आप कहेंगे डिक्रीज कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर कोई नेचुरल कैलामिटीज हो जाए, अर्थक्वेक, फ्लड वगैरह हो जाए, तो इससे क्या होता है जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको जो है काफी हद तक जो है मतलब नुकसान पहुंचता है। तो उस समय में, उस सिचुएशन में जो है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज का लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है, ठीक है। तो फर्स्ट रीजन हो गया लेफ्टवर्ड शिफ्ट का डिक्रीज इन रिसोर्सेज, ठीक है, या फिर रिसोर्सेज का इनएफिशिएंट हो जाना, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं भी हुआ हो तो अगर हम लोग ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज करने लग जाए तो भी हमारा जो है ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। न्यू इन्वेंशन, सो देयर इज नो न्यू इन्वेंशन, कोई न्यू इन्वेंशन नहीं है, बट जो मेरा रिसोर्सेस है वो जो है और डिप्लीट हो गया है या फिर घट गया है या फिर एफिशिएंसी घट गया है, ये सारे रीजन होंगे मेरा लेफ्टवर्ड शिफ्ट के लिए, ठीक है। मतलब राइटवर्ड शिफ्ट का जो रीजन है जस्ट उसका ऑपोजिट, ठीक है। टेक्नोलॉजी तो घट नहीं सकता बट हाँ इम्प्रूव नहीं भी हुआ होगा, तो अगर हम उसकी जगह ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज कर जाए तो भी मेरा ये पीपीसी जो है लेफ्टवर्ड की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है। ये था जो चेंज इन पीपीसी का फर्स्ट वाला पॉइंट, शिफ्ट इन पीपीसी, ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है, दोनों का रीजन, ये राइटवर्ड शिफ्ट का रीजन है और ये है लेफ्टवर्ड शिफ्ट का रीजन, ठीक है। तो मूव करते हैं अभी हम नेक्स्ट जो चेंज इन पीपीसी का सब मीनिंग था वो है रोटेशन इन पीपीसी, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या है और ये कैसे होता है थ्रू ग्राफ हम समझेंगे। ठीक है, तो शिफ्ट में हमने क्या देखा कि चेंज इन टेक्नोलॉजी रिसोर्सेस या रिसोर्स के एफिशिएंसी बढ़ने की वजह से पूरा का पूरा ग्राफ जो है मूव किया, फिर पूरा पूरा कर्व जो है मूव करा, इधर राइट में मूव करा, इधर लेफ्ट में मूव करा। इसमें हमने ये मान लिया कि
दोनों ही कॉमोडिटीज का जो है टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज में चेंजेस हुआ है, ठीक है। पर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों कॉमोडिटीज में से किसी एक के रिसोर्सेज में या टेक्नोलॉजी में चेंजेस आया हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर प्रोड्यूसिंग गुड एक्स एंड गुड वाई। मान लेते हैं कि गुड एक्स का टेक्नोलॉजी में देयर इज नो चेंज, ठीक है, रिसोर्सेज में भी नो चेंज, वेयरएज गुड वाई का जो है रिसोर्सेज में चेंज हुआ है, ठीक है। चेंज व्हाटएवर इट कैन बी, आइदर इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो जाएगा, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो सकता है, रिसोर्सेज बढ़ सकते हैं, एफिशिएंसी बढ़ सकते हैं, या फिर ये घट भी सकते हैं, कोई भी, ठीक है। सो इसमें कोई चेंजेस नहीं, गुड एक्स में कोई चेंज, ओनली वन गुड में चेंज हुआ है। तो इस समय जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे रोटेशन, ठीक है। जब दोनों ही कॉमोडिटीज का चेंज होता है तब क्या बोलते हैं हम लोग, शिफ्ट बोलते हैं, पूरा पूरा कर शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। बट दोनों में से कोई एक कॉमोडिटी का रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी में चेंजेस होता है और उसके वजह से जो बदलाव आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व में, उसको हम बोलते हैं रोटेशन, ठीक है। उसका कर्व किस तरह से होगा आप देखिए। ये हो गया गुड एक्स, यहाँ शो कर रहे हैं हम जीरो, और यहाँ पर शो कर रहे हैं गुड वाई, ठीक है। अब ये मान लीजिए हमारा ओल्ड जो है पीपीसी है, ओल्ड पीपीसी, ठीक है। अब न्यू रोटेशन हम पढ़ रहे हैं, सॉरी मैं रोटेशन है पीपीसी, तो ये है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज का और ये है ओल्ड पॉसिबिलिटीज का, ओल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज का, ठीक है। और हमने यहाँ पर क्या रिज्यूम किया है, गुड एक्स का जो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। अगर इसमें कोई चेंजेस नहीं है मतलब यही इसका मैक्सिमम लिमिट रहेगा, मतलब इतना ही इसमें प्रोडक्शन कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होगा। वेयर इज गुड वाई पे हम बोल रहे हैं कि देयर इज एन इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज एंड एफिशिएंसी भी बढ़ गया, तो अगर इसका बढ़ गया है तो इसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज यहाँ पर अगर है तो ये ऑब्वियसली इंप्रूव पे ऊपर चला जाएगा, कि मान लीजिए यहाँ पर आ गया बट गुड एक्स का यहाँ पर नहीं, तो इस समय जो नया कर्व बनेगा वो ऐसे बनेगा, गुड वाई का तो मूव हो जाएगा लेकिन एक्स का पॉइंट हमेशा वही रहेगा। सो थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहा है कर्व में बट जो एक्स का कर्व पॉइंट वही है, बस वाई का चेंजेस हुआ है, तो इसको बोलते हैं रोटेशन इन पीपीसी, जहां पर ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज ऑफ एनी वन कॉमोडिटी जो चेंजेस आ रहा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व में, उसको हम लोग बोलते हैं रोटेशन पीपीसी, ठीक है। तो ये हमने क्या दिखाया, इंक्रीज दिखाया, इंक्रीज गुड एक्स में कोई चेंजेस नहीं हुआ, इसलिए गुड एक्स का पॉइंट यहीं पर ही है, पर गुड वाई का जो है टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज दोनों में इंक्रीज हुआ है, इसलिए इसका प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इसके अलावा डिक्रीज भी हो सकता है, चेंज दो तरह का होता है, एक इंक्रीज होता है एक डिक्रीज होता है, तो इंक्रीज अगर हुआ तो ये क्या हो गया ऊपर की तरफ गया, तो अगर इसमें डिक्रीज होता है तो ये क्या होगा यहाँ से यहाँ पे मूव करेगा, बट एक्स इज स्टिल फेसिंग, एक्स के जो रिसोर्सेस है उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है, ये क्या शो कर रहा है, इंक्रीज इन रिसोर्स टेक्नोलॉजी ऑफ गुड वाई, और इसके वजह से ये रोटेशन हुआ और ऊपर की तरफ मूव हुआ, और ये क्या शो कर रहा है, डिक्रीज इन रिसोर्स टेक्नोलॉजी ऑफ गुड वाई, ठीक है। तो यहां पर रोटेशन कहां पर हुआ है, एक्स में नहीं हुआ सिर्फ वाई में हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे रोटेशन फॉर गुड ऑन वाई एक्सिस, रोटेशन फॉर गुड ऑन वाई एक्सिस, वाई बिकॉज जो भी चेंजेस हुए हैं वो वाई में चेंजेस हुए, एक्स में कोई चेंजेस नहीं हुआ, एक्स का मैक्सिमम यहीं पर ही है, अभी भी यहीं पर ही था, अभी भी यहीं पर ही है, वेयरएज वाई का ड्यू टू इंक्रीज इन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी ये ऊपर की तरफ रोटेट हुआ है, और जब डिक्रीज हुआ तो ये नीचे की तरफ हुआ है, तो वाई में चेंजेस के कारण से इस कर्व का नाम होगा रोटेशन फॉर गुड ऑन वाई एक्सिस। सिमिलरली ये भी हो सकता है रोटेशन फॉर गुड ऑन एक्स एक्सिस, जहां पर मेरा गुड वाई का कोई चेंजेस नहीं जाए, गुड एक्स का चेंजेस होगा, ठीक है। उसके भी ग्राफ फिर से बनेगा दिखाता हूं मैं आपको, तो
क्या शो करेंगे, रोटेशन फॉर गुड ऑन एक्स एक्सिस, मतलब अब जो चेंजेस होगा वो एक्स कमोडिटीज में चेंज आएगा, वाई में कोई चेंज नहीं आएगा. तो गुड ए गुड वाई का टेक्नोलॉजी कांस्टेंट एंड जो रिसोर्सेज है वो भी कांस्टेंट, वेयर इज गुड एक्स का टेक्नोलॉजी इंप्रूव, रिसोर्सेज भी इंक्रीज, और ये भी बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी डिक्रीज एंड रिसोर्सेज ऑल्सो डिक्रीज. तो ये दोनों का कैसे रोटेशन हम लोग शो करेंगे कर्व में, ठीक है, नेक्स्ट टाइम. ये हो गया कर, यहाँ गुड एक्स शो कर रहे हैं और यहाँ गुड वाई शो कर रहे हैं. ये मेरा हो गया ओल्ड बीपीसी वाई डैश एक्स डैश, राइट. तो ओल्ड बीपीसी हो गया. अब सिचुएशन है वो क्या है कि गुड वाई के टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस में कोई चेंजेस नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि गुड वाई का प्रोडक्शन जो पहले यहाँ पर हो रहा था मैक्सिमम, अब वो यहीं पर ही रहेगा. इसमें कोई चेंजेस ना ये ऊपर की तरफ जाएगा ना नीचे की तरफ आएगा. बट गुड एक्स में फर्स्ट देखते हैं कि चेंज क्या हुआ है, कि टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव हुआ है और रिसोर्सेज भी बढ़ गए हैं. तो अगर ऐसा होता है दैट मींस क्या, मेरा गुड एक्स का जो प्रोडक्शन पहले यहाँ पर हो रहा था वो बढ़ के इधर शिफ्ट, मतलब इधर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है. तो इधर की तरफ बढ़ेगा मतलब जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज का होगा उसमें जो चेंजेस है वो इस तरह का होगा, एक्स एक्सिस का पॉइंट वहां पर ही रहेगा वेयर इज वाई एक्सिस का है आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है. ये किस लिए हो रहा है, ड्यू टू इंप्रूव इन टेक्नोलॉजी एंड जो है इंक्रीज इन रिसोर्सेज. तो ये इंडिकेट क्या करेगा, इंक्रीज इन रिसोर्सेज, ठीक है, या इंप्रूव इन टेक्नोलॉजी ऑफ गुड एक्स, ठीक है. क्योंकि रोटेशन कहां हो रहा है, एक्स एक्सिस में हो रहा है, एक्स एक्सिस के रोटेशन के बारे में. एक्स एक्सिस का रोटेशन जब होगा तो गुड वाई के जो रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, गुड एक्स का रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में चेंजेस होगा. अगर दोनों इंप्रूव होते हैं या रिसोर्सेज बढ़ते हैं तो ये रोटेशन इस तरफ होगा, ठीक है. और अगर घटता है, सेकेंड चीज में टेक्नोलॉजी भी डिटोरेट हो या रिसोर्सेज भी जो है घट गया हो, ठीक है, तो उस समय वाई का इधर ही रहेगा, एक्स का जो है अंदर की तरफ रहेगा, लेफ्ट की तरफ. ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इसका ऑपोजिट, डिक्रीज इन रिसोर्सेस और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी ठीक है ऑफ गुड एक्स एक्स, ठीक है. तो ये हुआ रोटेशन के बारे में, बहुत ही सिंपल था. शिफ्ट भी हमने समझ लिया और रोटेशन भी समझ लिया, दोनों ही क्या है, चेंज इन पीपीसी है. एक में पूरा का पूरा कर्व शिफ्ट हो रहा है, जो हम शिफ्ट इन पीपीसी में देख चुके हैं, ठीक है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है और राइट वर्ड शिफ्ट होता है. और दूसरा क्या है, रोटेशन होता है, मतलब कोई एक गुड का जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज में कोई चेंज नहीं होता, वेयर दूसरा का चेंज होता है बिकॉज उस गुड के जो है रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस आने के कारण से, ठीक है. तो ये दो तरह का होता है, रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस जहां पर एक्स में जो कम्युनिटी शो कर रहे हैं उसके चेंज टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज में चेंजेस आने की वजह से होता है, एंड दूसरा है रोटेशन ऑन वाई एक्सिस. और रोटेशन वाई एक्सिस कब होगा, जब एक्स एक्सिस रोटेशन ऑन वाई एक्सिस ये कब होगा, जब वाई एक्सिस में जो कम्युनिटी हम शो कर रहे हैं उसके टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज में कुछ चेंजेस आता हो, ठीक है. तो आई होप ये पीपीसी आपको क्लियर हुआ, अगर नहीं हुआ तो आप दोनों वीडियो को सीक्वल में दोबारा देखिए, ठीक है, क्लियर हो जाएगा. स्टिल कोई भी डाउट आपके मन में दिमाग में रहता है तो आप कमेंट में मेंशन करिए, मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है. इस वीडियो में इतना ही, बाय.